योगी आदित्यनाथ के लिए पांच कैलाश मार्ग में कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इसी आवास में रहेंगे, हालांकि वो योगी हैं और जिस तरह से वो गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर जिस तरह से की व्यवस्था है, कुछ वैसी ही व्यवस्था इस पांच कैलाश मार्ग में भी किया जा रहा है, जो आवास में बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। आज पूजा पाठ होगी, उसके बाद ही वो गृह प्रवेश होगा। क्या पंडित जी आज से ही रहना शुरू करेंगे या नवरात्र बाद रहेंगे? पहले महाराज जी आज ही प्रवेश कर जाएंगे और जो भी काम ऑफिस से आवास से देखना है यहाँ से सब संचालित हो जाएगा। महाराज जी विशेष पूजा नवरात्रि में करते हैं और गोरक्षनाथ की भी पूजा करेंगे, यहाँ पे मंडप प्रवेश करेंगे। किसी भी आवास में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश की पूजा होती है, वास्तु की पूजा होती है। महाराज जी विधिवत पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद ही प्रवेश करेंगे। जैसे वहाँ रोज पूजा करते हैं तो यहाँ भी क्या मंदिर कुछ मूर्ति स्थापित होगी या नॉर्मल पूजा घर जो होगा उसी में पूजा करेंगे? जी अपने नित्य क्रिया को कहीं भी रहते हैं, भारत के कोने में कहीं भी रहेंगे, उस नित्य क्रिया को धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ को अपनाते ही रहेंगे। तो क्या उसके लिए यहाँ भी मूर्ति कोई स्थापित होगी? मूर्ति भगवान का मंदिर वहाँ पे स्थापित है, मंदिर में मूर्ति भी स्थापित है, पूजा पाठ हुआ, भोग लगा और महाराज जी उसी दिनचर्या से जहाँ भी रहेंगे पूजा पाठ करते हैं। वहाँ गोरखपुर में तो वो रोज गायों को चारा भी खिलाते हैं सुबह सुबह, तो यहाँ पे क्या गाय की व्यवस्था रखी जाएगी? गौ भक्त है महाराज जी और गौ की कृपा भारत पे सनातन धर्म में सबसे पहले माना गया है। तो क्या गौशाला बनेगा यहाँ पे? गौशाला बने या ना बने गौ की सेवा तो जरूर करेंगे, उसका कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। कहा जाएगी बहुत सारे और बदलाव किए गए, सोफा ओफा और जो फर्नीचर है घरों को उसको चेंज किया, क्या नीचे ही बैठेंगे या फिर वो जैसे वहाँ बैठते हैं गद्दी नीचे लगेगी या फिर सोफे पे? अब नॉर्मल तरीके से ही रहते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल ही व्यवस्था है महाराज जी की। अब नेतृत्व कैसी व्यवस्था देता है उसको महाराज जी स्वीकार करेंगे। नहीं तो क्या मतलब गद्दा नीचे बिछाया जाएगा? नीचे तो गद्दा भी नहीं, मतलब जो कुर्सी लगी है सोफा लगे हैं वो सारे उस बैठने की व्यवस्था अंदर की गई है वीवीआईपी गेस्ट लोगों की, और जो अपना जनता दरबार लगता है उसके लिए भी व्यवस्था सारी की गई है। महाराज जी प्रतिदिन लोगों की समस्या को सुनने के लिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से क्या क्या और बदलाव किए गए अंदर? वास्तु देखिए, वास्तु से जो बन गया उसको तोड़ना भी एक वास्तु दोष माना गया है, उसको उसमें कमियां क्या है उसको सुधार की जाए। वास्तु भगवान का यंत्र, वास्तु पूजन कर दिया जाता है, उसके बाद सारी शुद्धि कर दी गई है जी। ब्रिलियंट राहुल के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।